यहाँ पे सिर्फ हम ये बातें करेंगे कि कौन सा ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो हमें से बेस्ट रिटर्न देते आ रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है उस समय से। चलिए हम लॉन्चिंग डेट को भी जानेंगे और कितने समय समय का एक्सपीरियंस है इस फंड के साथ में, उसके बारे में भी ऐसे बात करेंगे और साथ में ऐसे ग्रोथ रेट का बात करेंगे जो कौन सा म्यूचुअल फंड हमें कितने परसेंट का ग्रोथ ऐसे दी। गाइस अगर हम बात करते हैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं 25.67% का ग्रोथ दिया है। जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस समय से अभी तक ऐसे 25.67% का ग्रोथ देते ही आ रहा है दोस्तों। डिप ग्रोथ की अगर बातें करते हैं तो 25.67% का ग्रोथ ऐसे कैलकुलेट किया गया है। चलिए हम बातें करते हैं निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। मैं यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के कैटेगरी में ही आता है, मैं उसी का ऐसे बातें कर रहा हूँ। तो स्मॉल कैप स्मॉल तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19.85% का रिटर्न दिया है दोस्तों। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हर कोई चाहता है कि करोड़पति बने, तो हम यहाँ पे 20,000 से 565 करोड़ कैसे बनेगा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। कौन सा फंड ले, कहाँ इन्वेस्ट करे। दोस्तों अडानी पावर की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं अडानी पावर का कैपिटल कितना बढ़ गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो अगर आपने अगर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज जो 25 रुपये का शेयर था आज वो 390 रुपये का शेयर हो चुके हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 186% का ग्रोथ दिया है। जहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्राइस चेंज एनालिसिस में कि एक महीने में 17.8% का ग्रोथ दिया है, 3 महीने में 12.4% का ग्रोथ दिया है और 164.8% का ग्रोथ 6 महीने के भीतर दिया है। एक साल का अगर बात करें तो 186.1% का ग्रोथ दिया है अडानी पावर ने दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे अगर निवेश करेंगे आप तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है दोस्तों। और रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करते हैं हम, कि फर्स्ट रेसिस्टेंस लगा था 296.5 पे, सपोर्ट मिला था 290 पर दोस्तों। सेकेंड रेसिस्टेंस लगा था 299 पे और सपोर्ट मिला था 285.9 पे। थर्ड रेजिस्टेंस लगा था 303.1 पे, सपोर्ट मिला था 283.4 पे। तो दोस्तों ये जो कैपिटल है, ये जो अडानी पावर है, इसमें भी बहुत पावर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना पावर है, तब बुलिश में देख रहे हैं आप 15 है चल रहा है और वेरी से सिर्फ एक चल रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 5 दिन पहले तक इसका ऐसे जो कैपिटल का प्राइस था, शेयर पर कैपिटल प्राइस था 290.9 रुपये पर शेयर था। 10 दिन पहले 287 रुपये, 12 दिन पहले 285 रुपये, 20 दिन पहले 282 रुपये, 26 दिन पहले 280 रुपये और 50 दिन पहले 271.90 रुपये, 100 दिन पहले 243 रुपये और 200 दिन पहले की बात करें तो 175 रुपये शेयर था दोस्तों। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,12,392.6 हाईएस्ट ग्रोथ है दोस्तों, हाईएस्ट ग्रोथ और ऐसा हाई इन द इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा इसका ऐसा प्रॉफिट मार्जिन है और सबसे ज़्यादा इसका ऐसे वैल्यू है शेयर्स का दोस्तों। कंपनी का सबसे ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉफिट भी देख रहे हैं 4,911.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है जो कैपिटल 286.7% इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर से। और यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ कितना तेज़ी से बढ़ा है दोस्तों, इतना तेज़ी से ग्राफ किसी का भी नहीं बढ़ा है, किसी भी कंपनी का नहीं बढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शॉर्ट का, तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेड को देखकर ही हम किसी फील्ड में अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ 15 है और अपॉर्चुनिटी 4 है और वीकनेस 2 सिर्फ है, थ्रेड सिर्फ 1 है दोस्तों। तो कोई टेंशन नहीं है अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो। कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो एनुअल देख रहे हैं यहाँ पे 2018 की बात करते हैं तो 5,100 करोड़ का था, यहाँ पे 10,232 करोड़ का हो गया 2022 में दोस्तों। टोटल असेट एनुअल की बात करते हैं तो देख रहे हैं धीरे धीरे ये इंक्रीज़ कर रहा है। और शेयर्स की बात करते हैं, टोटल शेयर होल्डिंग फंड एनुअल ग्रोथ करोड़ में अगर बात करते हैं तो देखिए 2018 में 9,539.13 करोड़ का था जो कि 7,322.29 करोड़ हो गया 2022 में। मतलब कि ये अपने शेयर्स को कम कर रहे हैं अडानी जी, अपने शेयर्स को अपने पास रख रहे हैं क्योंकि ये शेयर से बढ़ने वाला, बूम करने वाला दोस्तों। FII का इसमें जो होल्डिंग था वो देख ही लिए, पब्लिक का सिर्फ 7.47% का ही होल्डिंग है, इंडिविजुअल का होल्डिंग जो देख रहे हैं और अदर्स का सिर्फ 5% का होल्डिंग दे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रमोटर मतलब अडानी पावर का, अडानी जी का देख रहे हैं जो सिर्फ उनका है, उनका 74.97% उनका सिर्फ अपना इसमें शेयर्स है दोस्तों। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऑनरशिप पैटर्न को, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स का है ऐसे 74.97% जो कि रेगुलर है, कभी इसमें से 1% भी कम नहीं हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल का 7% है, थोड़ा सा बढ़ता है घटता है क्योंकि ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी घट बढ़ रहा है। इसीलिए यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं
कि हमारा फंड किस तरह से पुड़ेगा दोस्तों, करोड़ों का किस तरह से। SIP हम 20,000 रुपया लेते हैं, 20,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करते हैं, टेन्योर 35 साल का ले लेते हैं और रेट ऑफ रिटर्न अगर हम 25% का लेते हैं, लमसम हम नहीं इसमें लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए जीरो रखा है, तो देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा जो है 84 लाख रुपये का है और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 565 करोड़ का है दोस्तों। 565 करोड़ सिर्फ 35 साल में, 35 साल में लोग जवान होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब जवानी आपकी चढ़ेगी तो दोस्तों 565 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा सिर्फ 20,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करने पे। अगर आप चाहते हैं कि अपने कैपिटल को ग्रो करना और चाहते हैं कि एकदम फंड बनाना, करोड़ों का फंड बनाना, तो दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो का मैसेज आपके पास पहुंच रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था, उस समय से 19.50% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सेंसेक्स है से लगभग ऐसे 60,000 के पॉइंट पे चल रहा है, उस समय है से बहुत लगभग 4,000 पॉइंट से डाउन चला गया है, ठीक है। 4,000 पॉइंट से डाउन जाने का मतलब ये होता है कि जब ये है लगभग ये भी अगर 4,000 पॉइंट डाउन नहीं था जिस समय, उस समय अगर कैलकुलेट करते इस फंड को, तो ये भी फंड आपको लगभग ऐसे 23-24% का ऐसे ग्रोथ दिखाता है दोस्तों। कभी कभी तो ये 27-28% का भी ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि मार्केट में, क्योंकि स्मॉल कैप है ना, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होते रहता है। बट हमारा अभी इतना मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी ऐसे 19.85% लगभग 20% का रिटर्न से यहाँ पर दर्ज किया गया है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं तो यहाँ ये भी 19.81% का रिटर्न दिया है। जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस समय से 19.81% का रिटर्न से देते आ रहा है। किसी साल ऐसे 18% का रिटर्न देता है, किसी साल 25% का रिटर्न देता है, किसी साल 35% का रिटर्न देता है और किसी साल ऐसे 50% का रिटर्न देता है। टोटल कॉम्युलेटिव रिटर्न की अगर बातें करते हैं तो 19.81% से दर्ज किया गया है दोस्तों। चलिए हम एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं दोस्तों, तो ये से 22.92% का ऐसे रिटर्न दिया है और नवंबर 11, 2013 में लॉन्च किया गया था ये फंड को, जो कि इसे बेस्ट रिटर्न की कैटेगरी में आता है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों। और हम बातें करते हैं एक और म्यूचुअल फंड का, तो वो देख रहे हैं आप DSP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और ये भी इसे रिटर्न दिया है 21.35% का। ये जो लॉन्चिंग डेट इसका है दोस्तों, वो जनवरी 2013 में ही ये फंड ऐसे लॉन्च हुआ था, उस समय से ये देखा जा रहा है तो 21.35% का ऐसे रिटर्न ऐसे दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, अगर आप पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं तरह से आपको कम से कम 18% का भी अगर ग्रोथ रेट मिला ना, कम से कम 18% का भी ग्रोथ रेट अगर मिला दोस्तों, तो आपका ऐसे दोस्तों 20 ईयर में अगर आप देखेंगे 1,17,00,000 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। 1,17,00,000 का फंड तैयार हो जाएगा, ठीक है। 1,17,00,000 का फंड से आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये है 20.6% का रिटर्न दिया है। आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा फंड है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फंड है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो किसी भी एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी सेक्टोरियल फंड है कि किसी भी एक साइड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड ये है तो ये विप्रो में, बहुत सारे ऐसे फंड हैं, टाटा ने मतलब रिलायंस में बहुत सारे ऐसे फंड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये फंड काफ़ी पुराना फंड है दोस्तों। आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना फंड है ये फंड हमारा कम से कम है दोस्तों ऐसे 20 साल से चलता हुआ आ रहा है, 20 ईयर से ऐसे चलते हुए आ रहा है ये फंड, 20 साल से ऊपर का ऐसे हो चुका है, ठीक है। अगर हम बातें करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का, तो इस फंड का दोस्तों एज जो है 27 ईयर का हो चुका है ये फंड दोस्तों। 27 ईयर से अगर रिटर्न की बातें करते हैं तो 22.35% का ऐसे रिटर्न दिया है निपॉन ग्रोथ फंड है। ये मिड कैप कैटेगरी में आता है दोस्तों, मिड कैप जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना स्मॉल कैप, तो यहाँ पे स्मॉल कैप ये सारे स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, स्मॉल कैप। इसी तरह ये मिड कैप की कैटेगरी में आता है निपॉन इंडिया, ये सेक्टोरियल फंड की कैटेगरी में आता है क्योंकि सेक्टर वाइज से ये डिपेंड करता है, सेक्टर वाइज से टेक्नोलॉजी में डिपेंड इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इसीलिए सेक्टोरियल फंड कहा जाता है, ठीक है।
लगभग 10 साल का फंड ये हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन करते हैं ओवरऑल, तो 1% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों। हाँ, आप ये भी किए होंगे कि आप ऐसे देखे होंगे 5 साल का कैलकुलेशन देखे होंगे, तो आपको ऐसे दिखाया होगा 18% 17% का रिटर्न दिखाया होगा। आप 2013 से देखें ना, 2010 से देखें, 2013 सारा है, ये फंड का 27 साल हो चुका है। अगर आप 27 साल से नहीं देखेंगे 27 साल का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 22% का ग्रोथ रेट दिया है। अगर 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में पता चलेगा ये 18% का दिया है, 15% का दिया है, या फिर यही 15% है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसे कम ग्रोथ देते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन होता है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके कारण से हमारा शेयर मार्केट डाउन चला जाता है और ग्रोथ रेट हमारा ऐसे गिर जाता है, ठीक है। इसी कारण अगर आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं और ये सारे म्यूचुअल फंड को एक पोर्टफोलियो बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बेस्ट पोर्टफोलियो कहा जाता है दोस्तों, बेस्ट पोर्टफोलियो में से एक ये कहा जाता है। और आपको ऐसे 18% का ऐसे ग्रोथ रेट मिलता ही मिलता है, तो आपको ऐसे दोस्तों फंड जबरदस्त फंड तैयार होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सारे फंड को एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करें, इस सारा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी मार्केट अगर गिरता है, ठीक है, तो गिर के कहाँ पे आ गया, ये आ गया दोस्तों, अभी गिर के ऐसे मार्केट 4000 गिरा है, तो 19.85% पे आ गया, ये 19.81% पे आ गया, 21.35% पे आ गया, ठीक है, मार्केट गिर गया तो पहुँच गया, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी 18% का या 17% का रिटर्न देता है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ गिरेंगे, 2-3% अगर गिरेंगे, 2-3% गिरेंगे, तो आप सोच सकते हो कि 14% ऐसे 13% 14% रिटर्न तो उसमें भी आ जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम ऐसे 25% से ऊपर वाला फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा जो 1-2% 5% 10% 5% गिरता भी है, 8% गिरता भी है, तो हमारा 19% का ऐसे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐसे पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर 18% का ऐसे ग्रोथ रेट के हिसाब से कभी भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा ऐसे बहुत अच्छा ऐसे फंड ऐसे तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप 18% से ग्रोथ तो आप इसलिए आप 18% के अकॉर्डिंग ऐसे कैलकुलेशन करें और ऐसे अपने फंड को तैयार करें दोस्तों।